अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, होप यू ऑल गुड। सो आज मैं आपको बटर चिकन का रेसिपी दूंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन रेसिपी। आप घर पे बहुत ही इजी वे पे बना सकते हैं। सो फुल वीडियो देखना, हर एक स्टेप को आप लोग भी ट्राई करना। सो आपका भी बटर चिकन, रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन घर पे ही बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होता है, क्रीमी होता है। आप बच्चे क्या बड़े, सब कोई को बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी लगेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है और आप लोग को और भी कंटेंट मिलेगा। मेरा बायो में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप लोग प्लीज़ उसे भी फॉलो करिए। सो पहले यहाँ पे बोनलेस चिकन को मैरिनेट करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और रेड चिली पाउडर और नमक देके से मैरिनेट करना है। उसके बाद पैन को यहाँ पे गरम कर लेना है, यहाँ पे ऑयल डालना है, रिफाइन ऑयल आप यूज़ करिएगा। उसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है, लाइक आपको 15 मिनट्स तक मैरिनेट करना है। उसके बाद उसे ज़्यादा आप लोग को कुक नहीं करना है, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल टाइप का फ्राई करना है और उसके बाद अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। सो हमारा चिकन फ्राई है। उसके बाद यहाँ पे पैन में ऑयल को गरम किया है, यहाँ पे मैंने ओनियंस वगैरह को कट करके रखा था। सो ओनियन आप लोग को डाल लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग को चलाना है, थोड़ा ओनियन जब आपका गोल्डन ब्राउन में आएगा तो इस तरीक़े से हम लोग को करना है। सो यहाँ पे देखिए हमारा ओनियन थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे मैं टमाटो डालूंगी। टमाटो भी मैंने रफली कट करके रखा है क्योंकि ये सब मिक्सर को हम लोग को मिक्सर में ग्राइंड करना है। सो यहाँ पे रफली कट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा है कैश्यू, काजू। आपको देखिए, आप जितना चिकन ले रहे हैं आप उस हिसाब से इसका क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे चिकन है। सो ये सब को अच्छे से मिक्स करते रहना है। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है हमारा सब चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा बटर है, क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसमें बटर जाएगा। सो मैं अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करके रहना है, इस सब चीज़ को मिक्स करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डालूँगी, मैं हाफ कप टाइप का पानी डालूँगी जिससे हमारा सब चीज़ को गल जाए हमारा। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक उबाल आ गया, तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे वैनिला असेंस है वो मैंने डाल दिया है। उसको डालने के बाद देखिए अच्छा, अभी से बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है। ऊपर से मैं यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला पाउडर। ये डालने से आपको बटर चिकन में एक अलग टेस्ट और स्पाइस का स्मेल आता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से सॉल्ट डालना, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है। सो आप देखकर अपने ध्यान से डालना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा शुगर डाला है। शुगर डालने के बाद यहाँ पे मैं रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा मिलाऊंगी, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा स्पाइस के लिए और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए। सो इन सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए आप लोग को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे, और आपका मीडियम फ्लेम पे ही रहेगा आपका फ्लेम, क्योंकि हम लोग को ये सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा इसे मैश करने लायक का बना लेना है। सो यहाँ पे मैं 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दूँगी। सो आफ्टर 15 मिनट आप लोग देखिए हमारा टमाटो पूरा गल चुका है, ओनियन भी गल गया हमारा। सो उसके बाद फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। सो ये यहाँ पे ठंडे करने के लिए रख दिया था, जब आपका पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप ग्राइंडर में इसे पीस ले और मतलब ग्राइंडर में मिक्स कर ले। सो यहाँ पर देखिए मैं ग्राइंडर पर पीस ले आऊँ तो इस तरीका का आपका ये आएगा। सो यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे एक छलनी से इसे सारा, मतलब हमारा गाढ़ा जितना है उसे एक स्मूथ पेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो आपका जितना भी टमाटो का सीड्स वगैरह है वो इसी में आ जाएगा।
सो उसको इसको इस तरीक़े से करना है। सो हमारा जितना स्मूथ पेस्ट है वो निकल के आएगा। सो खाने में हमारा माउथ में कोई मतलब आपका सीड्स वगैरह नहीं आएगा। सो देखिए इस तरीक़े से एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा चिकन डालूँगी जो फ्राई करके रखा था। उसके बाद इसे अच्छे से इसे मिलाऊँगी। तब तक मैं फ्लेम को लो रखूँगी। सो यहाँ पे अच्छे से मुझे चिकन में सब चीज़ मतलब चाहिए कि अब्सॉर्ब हो जाए जो हमारा टेक्सचर है। सो यहाँ पे पहले मैंने बटर डाला है। बटर डालने के बाद यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम डाल ली हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि क्रीमी थोड़ा टेक्सचर होगा इसका बटर चिकन का और फुल आपका रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। सो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। सो आपका इस तरीक़े से बनेगा। सो यहाँ पे मैं सारा चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। करने के बाद लास्टली यहाँ पे कस्तूरी मेथी, बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल और टेस्ट आता है। यहाँ पे कस्तूरी मेथी बना डाल दिया है। उसके बाद देखिए आपका बटर चिकन रेडी है। आप इसे सर्व करिए। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।